हाँ जी हाँ जी। ब्रह्मा की 100 साल बताता है हाँ जी। चैतन्य ब्रह्मा को और प्रजापिता ब्रह्मा को आदि ब्रह्मा की 100 साल है। ब्रह्मा है कितने है? पंचानन तो कहा जाता है। आनन माने मुख, तो जरूर मुख का काम भी करते होंगे। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक को ही कहा जाता है। इससे साबित होता है कि जो ब्रह्मा 100 विष्णु बनते हैं तो बनने वाले नंबरवार ही होंगे या सब अव्वल नंबर होंगे? नंबरवार ही होंगे। विष्णु की 4 भुजाएं हैं, कोई ऊपर की भुजाएं होंगी, कोई नीचे की भुजाएं होंगी, कोई दाई ओर की भुजाएं होंगी राइटियस, और कोई लेफ्टेस्ट भुजाएं होंगी अनराइटियस। तो श्रेष्ठ कौन हुई और निष्कृष्ट कौन हुई है? श्रेष्ठ भुजाएं किनको कहेंगे और निष्कृष्ट किनको कहेंगे है? राइटियस श्रेष्ठ हैं, लेकिन राइटियस में भी तो 2 प्रकार की हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की। तो श्रेष्ठ कौन हुई? ऊपर की श्रेष्ठ हुई। ऐसे ही लेफ्टिस्ट भी 2 प्रकार की हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं और साथ साथ कोई ऊपर की है कोई नीचे की है। तो देखें कौन सी भुजाएं हैं, किस क्रम में आती हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, निशानियां दिखाई हुई हैं। तो शंख किसकी निशानी है? है लक्ष्मी की निशानी है शंख। लक्ष्मी आई और युद्ध का शंख संसार में फूंक दिया जाता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में कहा है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो लक्ष्मी वाली आत्मा और फिर उसके साथ कौन है लेफ्ट साइड में? नहीं, शंख के साथ जो नीचे की भुजा है वो कमल का फूल है। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है। तो ब्रह्मा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें ऐसी आत्मा कौन है जो कीचड़ की दुनिया में चली जाती है? सब धर्मों के बीच से गुजरती है। एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जहां सब धर्मों ने राजाई की है। जैसे मां के बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होंगे तो 10 मां की गोद में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? खेलेंगे। तो ऐसे ही जगदम्बा ऐसा पात्र है जिसको इस जगत की सब धर्म की आत्माओं की पालना का कार्य मिला हुआ है। सबका संग का रंग लेती है,
तो नीचे की भुजा दिखाई गई है कमल फूल। कमल फूल फूलों का राजा कहा जाता है। अच्छा पार्ट है या खराब पार्ट है? है? मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्याओं माताओं की संभाल के लिए किसको निमित्त रखा है? मम्मा को निमित्त रखा है। माने मम्मा जगदम्बा है नहीं, जगदम्बा तो वो स्वरूप है जिसमें ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करती है। तो प्रवेश करने वाली आत्मा जगदम्बा है, या जिसमें प्रवेश किया वो डब्बा जगदम्बा है? जगदम्बा का पार्ट कौन बजाती है? सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया। इसलिए भक्ति मार्ग में दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते और मूर्तियां भी नहीं बनती। किसकी पूजा होती है? पूजा तो जरूर शरीरधारी की होगी। शरीर से ऐसा क्या कर्म किया जो जगदम्बा की पूजा होती है? रहती तो कीचड़ में है। जगत की नीचते नीच आत्माओं का संग में रहती है, सब धर्मों की आत्माओं को गोद में लेती है, सबकी अम्मा है। जगत माँ का मतलब क्या हुआ? जगत में कितने होते हैं? 500 करोड़, 700 करोड़ जो भी हैं, वो सब जगदम्बा के बच्चे हैं। तो जो जगदम्बा के बच्चे हैं वो सब पतित हैं या उनमें पावन भी हैं? है? है? सब पतित हैं। पतितों के संग में रहती है फिर भी बुद्धि योग से ऊंची स्टेज में रहती है या नीची स्टेज में रहती है? है? ऊंची स्टेज में रहती है। इसका प्रूफ क्या है? शास्त्रों में और चित्र में कोई प्रूफ भी होगा। जगदम्बा महाकाली का रूप जब धारण करती है तमो प्रधान होने पर, तो दिखाते हैं कि महाकाली इन पैरों से तो शंकर के ऊपर पांव रखे हुए हैं, लेकिन मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। इसे क्या साबित हुआ? मन बुद्धि से पवित्र है, पवित्र याद में है या अपवित्र है? है? मन बुद्धि से जो पवित्र है वो पवित्र है, तन से भला अपवित्र होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तन की कर्मेंद्रियों से कोई कीचड़ में पड़ा हो और मन से पवित्र हो? है? नहीं हो सकता। हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो मंदिरों में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो किसकी यादगार है? है? वो लिंग किसकी यादगार है? है?
प्रवेश किया। हाँ, शिव ज्योति बिंदु ने जिस बड़े आकार में प्रवेश किया साकार में, उसकी यादगार है शिवलिंग। वो शिव का लिंग ही पूजा जाता है। देवताओं की अन्यान्य इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन शिव का लिंग पूजा जाता है। जो लिंग पूजा जाता है वो इस बात का प्रमाण है कि जरूर मन बुद्धि से उपराम है या कीचड़ में बुद्धि रही पड़ी है। मन बुद्धि से उपराम है, शरीर भल कीचड़ में है। तो वो है जगत पिता। कौन? जो लिंग दिखाया गया है वो है जगत पिता का रूप, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। और जगदम्बा है जगत माता, जगत पिता के साथ जगदम्बा भी होनी चाहिए। तो ये दोनों की प्रवृत्ति है, बाकी ऐसे नहीं है। कि जो लक्ष्मी है वो पतित बनती है कर्म इंद्रियों से। लक्ष्मी पावन शरीर है या पतित शरीर है? पावन शरीर है। इसलिए दो रूप हैं लेफ्टिस्ट में। लेफ्टिस्ट होने के बावजूद भी वो महालक्ष्मी कही जाती है। दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं, लक्ष्मी के और जगदम्बा के, तब कहा जाता है महालक्ष्मी। कब पूजन होता है महालक्ष्मी का? दीपावली पर। जब आत्मा रूपी दीपक की अवली माने लाइन लग जाती है, आत्मा रूपी दीपकों की ऐसी लाइन लगती है जो मालाएं तैयार हो जाती हैं। कब माला तैयार होती है? 36 में, 76 में या और आगे है? आगे। क्यों? कि मुरली में बोला है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40-50 वर्ष लगते हैं। माने तमो प्रधान रात्रि की आधी रात में थे, फिर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ किया, ज्ञान लिया, ज्ञान की गहराइयों में गए। फिर जब लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी के साथ जगदम्बा भी आती है, दोनों का मेल होता है और महालक्ष्मी की शुरुआत कही जाती है। तब से दीप अवली शुरू होती है, दीपकों की लाइन बनना शुरू होती है, माला तैयार होने लगती है। जरूर पहले 8 की माला तैयार होगी, फिर 108 की माला तैयार होगी, फिर 16,108 सारे राज परिवार की माला तैयार हो जाती है। तो दो हाथ तो विष्णु के ये हुए, तीसरा हाथ विष्णु के रूप में राइटियस रूप में ऊपर का हाथ दिखाया है। क्या है? षष्ठी चक्र। ये षष्ठी चक्र की शुरुआत किसने की? ये ज्ञान का चक्र किसने घुमाया? पहले पहले किसने घुमाया? कहते हैं यज्ञ के आदि में
भगवान को लाल लाइट के गोले के रूप में याद करते थे, परंतु भगवान इतना बड़ा लाल लाइट का गोला तो नहीं है, तो असली रूप किसने निकाला? मम्मा ने मनन चिंतन मंथन किया कि आत्माएं जब ज्योति बिंदु हैं, स्टार हैं, तो आत्माओं का बाप भी स्टार ही होना चाहिए। हाथी का बाप हाथी जैसा ही होगा, सांप जैसा लंबा नहीं हो सकता। ये मनन चिंतन मनमा ने निकाला तो उनके हाथ में वो चक्र दिया हुआ है। मम्मा का पार्ट हुआ और गदा वो ब्रह्मा बाबा की याद है। कहीं भी कोई बुद्धि फंस जाती थी तो ड्रामा का गदा बीच में लगा देते थे, जो हुआ सो ड्रामा, बस निश्चिंत हो गए। तो ये चार आत्माएं हैं, ये चार भुजाओं के रूप में दिखाई गई हैं। भुजाएं अपने आप चलती हैं कि कोई चलाने वाला होता है? वो चलाने वाला कौन है? वो चलाने वाली आत्मा वही है जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। तो चलाने वाली आत्मा मस्तक में है, इसलिए कहा गया है विष्णु के जो रूप दिखाते हैं विराट रूप, उस विराट रूप में तुम बच्चे हो ब्राह्मण चोटी, चोटी में शिव का गोल रूप दिखाते हैं। चोटी में गांठ लगाते हैं तो क्या बन जाती है? हाँ, शिवलिंग बन जाता है। अर्थात वो ब्राह्मण चोटी है, चोटी का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा। इस तरह विष्णु के रूप में पांच आत्माएं हैं। नंबरवार पुरुषार्थी हैं या एक जैसे पुरुषार्थी हैं? नंबरवार पुरुषार्थी है। और बाबा सूर्य उदय होने से पहले लाल रंग दिखाते हैं और उसके पहले कालरात्रि बताते हैं। हैं? कालरात्रि। हाँ जी। तो दोनों में चैतन्य में कौन कौन से? एक ही है वो अलग अलग है? रात्रि का रंग क्या होता है? काला। काला होता है। काला रंग अज्ञानता का सूचक है या ज्ञान का सूचक है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में, खासकर एडवांस पार्टी की दुनिया में, महाकाली का पार्ट किसका है? है? जगदम्बा का। महाकाली का पार्ट है। अज्ञान फैलाने वाली है कि ज्ञान फैलाने वाली है? है? ज्ञानी है या अज्ञानी है? अच्छा, उसके सामने जाके ज्ञान की टाई टाई करेंगे? है? डटेंगे या भाग खड़े होंगे? भाग जाएंगे। तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? क्यों? ब्रह्मा कुमारियां उसके सामने जीतेंगी ज्ञान? नहीं, नहीं। अच्छा, उनकी बात छोड़ दो, एडवांस के ब्रह्मा कुमार जीतेंगे? नहीं। क्यों नहीं जीतेंगे? जब वो ज्ञान की देवी नहीं है, अज्ञान की देवी है, तो बाप को छोड़ के गई। हैं? बाप को छोड़ के गई। हाँ, जो बाप को छोड़ जाते हैं वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? मुरली में तो बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। भले सबसे ज्यादा संग का रंग किस आत्मा ने लिया?
प्रैक्टिकल में संघ का रंग 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कौन सी आत्मा है जिसने संघ का रंग प्रैक्टिकल में शिव बाबा से सबसे जास्ती लिया? किसने लिया? कोई और ब्रह्मा कुमारी ने लिया क्या? कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने लिया क्या? नहीं लिया। जगदम्बा ने सबसे जास्ती संघ का रंग लिया, और संघ का रंग लेने वाली पावरफुल होगी या कमजोर होगी? इसलिए प्रकृतिपति की पहली रचना है प्रकृति। प्रकृति पावरफुल है या कमजोर है? माया के मुकाबले, माया बेटी के मुकाबले जास्ती पावरफुल है या कम पावरफुल है? है? कैसे? जास्ती पावरफुल कैसे है? प्रकृति ही जास्ती पावरफुल दिखाती है। प्रकृति शिव की रचना, भगवान की रचना है ना। प्रकृति पति की जो रचना है, पहली पहली रचना है या बाद वाली रचना है? तो पहली रचना ज्यादा पावरफुल होगी या कम पावरफुल होगी? ज्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? कारण क्या? क्योंकि उसने जितना संघ का रंग लिया है बाप का, सर्वशक्तिवान बाप का, उतना संघ का रंग और किसी ने नहीं लिया है। माया के मुकाबले जास्ती पावरफुल है कि कम पावरफुल है? अरे चुप हो गए हैं। कम पावरफुल है पहली रचना और कम पावरफुल। पहली रचना माया है या प्रकृति है? प्रकृति पहली रचना है। तो पहली रचना ज्यादा पावरफुल होती है या कम पावरफुल होती है? ज्यादा पावरफुल हुई। माया कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। इस्लाम धर्म बाद में आता है या पहले आता है? बाद में आता है। तो जो बाद में आता है वो बाद की रचना होगी। प्रकृति पहली पहली रचना है। शिव बाप जब आते हैं प्रजापिता में, तो पहले पहले ज्ञान कौन सुनती है? सुनने सुनाने में माहिर कौन बनती है? जगदम्बा ही तो बनती है। है बहुत पावरफुल, माया से भी। हाँ, फिर भी माया की लपेटे में आ गई। माया के लपेटे में नहीं आ गई। माया प्रकृति के मुकाबले जास्ती चालाक है या सीधी सादी है? माया जास्ती चालाक है। माया ने जब देखा कि भगवान के बच्चों से मैं पार नहीं पा सकती, एडवांस के जो बच्चे हैं उनके सामने माया हिलने लगती है। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? माया, जब अव्यक्तवाणी में बोला तो कुमार का दादी हॉस्पिटलों में निस्तेज पड़ी हुई थी, ताकत ही कम हो गई, हिलने लगी थी। तो जब माया हिल जाती है, शक्तिहीन होने लगती है, तब युक्ति निकालती है। माया ने किससे हाथ मिला लिया? प्रकृति से हाथ मिला लिया। मानो जो जगदम्बा है उससे दोस्ती कर ली। वैसे भी बोला हुआ है
कि आगे चल के ऐसा नजारा आएगा कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी आधार मूर्त बीज रूप हैं, जिन जिन धर्मों के, वो उन्हीं उन्हीं धर्मों के साथ मिल जाएंगे। क्या चंद्रवंशी चंद्रवंशियों के साथ मिल जाएंगे? इस्लामी इस्लामी धर्म के जो आधार मूर्त हैं, बीज रूप हैं, वो इस्लामियों के साथ मिल जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म के बीज रूप और आधार मूर्त क्रिश्चियन धर्म के साथ मिल जाएंगे। तो सारे ही अपने अपने ग्रुप में मिल जाएंगे। फिर टक्कर किससे होगी? है बाप के सूर्यवंशी बच्चे अकेले रह जाएंगे। सारी दुनिया एक तरफ और तुम बच्चे एक तरफ हो जाएंगे। तो जगदम्बा भी किससे मिल जाती है? ब्राह्मणों की दुनिया की सारी कारोबार किसके हाथ में आ गई? मम्मा तो चली गई, फिर किसके हाथ में कारोबार आई? माया के हाथ में आ गई। तो यथा राजा तथा प्रजा सारी इस्लामी बन गई, क्रिश्चियन वो मुसलमान बन गए। क्या प्रूफ है कि सब मुसलमान बन गए या मुसलमानों के प्रभाव में आ गए? माया ने सिखाया, किसी की मत सुनो, अल्लाह मियां को याद करो। क्या तो ये कौन से धर्म वाले करते हैं? मुसलमान ही करते हैं। तो माया ने सबको मुसलमान बना दिया। प्रकृति भी चालाक है, बुद्धिमान है या जड़त्वमयी बुद्धि है? चालाक है प्रकृति। प्रकृति जो पांच तत्वों से बनती है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, वो जड़ तत्व होते हैं या चैतन्य होते हैं? जड़त्वमयी है। जड़त्वमयी होने के कारण माया के चंबे में आ जाती है। माया हाथ मिलाती है और प्रकृति भी हाथ मिलाई देती है। तो ज्यादा पावरफुल हो गए दोनों या कम पावरफुल हुए? ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और ज्यादा पावरफुल हो करके सारी दुनिया को लपेटे में ले आई है 2500 वर्ष। लेकिन बाप जब आते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, तो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक वाले तो लपेटे में आ ही गए माया के, लेकिन एडवांस वाले ब्राह्मण भी आ गए नहीं, आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ब्राह्मणों की दुनिया में कब तक पावरफुल बने रहे? मम्मा थी तो पावरफुल बन के रहे। और मम्मा के जाते ही कुर्सी किसने ले ली? माया बेटी ने। तो कमजोर होने लगे। ऐसे यहां भी है, जब तक बाबा है तो कुछ नहीं बिगड़ता, और बाबा अगर गुप्त हो गया है, गुप्त हो गया तो माया की परीक्षा फाइनल पेपर शुरू हो जाता है। माया किसी को छोड़ती है? है किसी को नहीं छोड़ती, सबको हिलाती। सब हिलते हैं तो नंबर बनते हैं। अगर हिले ही नहीं तो नंबर बनेंगे? अच्छा, और नंबरों की बात छोड़ दो, 8 नंबर कैसे बनते हैं? वो भी कुछ न कुछ हिलेंगे ना, तो वो भी नंबर बनेंगे। तो माया सबको हिलाती है,
एक को छोड़ के, क्या एक को छोड़ करके सब को हिलाती है। इसलिए बोला है कि यज्ञ के आदि में सारी दुनिया एक तरफ और तुम बच्चे एक तरफ थे, जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। तो ये चार हाथ हैं, चारों ही नंबर वार हैं, लेकिन चारों के ही संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे और राम बाप के संस्कारों से मेल खा जाएंगे, तब विष्णु फरिश्ता प्रत्यक्ष होगा संसार में, विष्णु का राज्य आवेगा। अभी तो विष है या नहीं है, अभी तो घट घट में विष समाया हुआ है, फिर पांच आत्माएं पहले निर्विष बनती है, वो भी नंबर वार। तो जो ब्रह्मा सो विष्णु का राज्य है वो यहां की बात है। ये बाप गुप्त कब होंगे? अभी गुप्त नहीं होते जा रहे हैं। 99-2000 में अव्यक्त वाणी में बोला, दुनिया की नजरों में बाप गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तब से लेकर के अब तक 12-13 साल हो गए, पांडवों में जो पांडव गुप्त पार्ट बजाने वाले हैं उनमें सबसे जास्ती गुप्त कौन है? सबसे जास्ती गुप्त है युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में स्थिर रहने वाला है वो सबसे जास्ती सहनशील है या भीम की तरह है? वो कौन है? हैं? ब्रह्मा की पार्ट, ब्रह्मा वाली आत्मा युद्ध स्थिर, युद्ध में स्थिर होने का पार्ट ही बजाती है। बल शरीर छूट गया तो भी युद्ध में स्थिर है या छोड़ के भाग गई? युद्ध में स्थिर है। और पांच पांडवों में भी उनका पंडा कौन है? पंडा बाप कौन है जिस पंडे की संतान पांडव कहे जाते हैं? अरे ब्रह्मा तो युधिष्ठिर है, प्रजापिता के थ्रू शिव बाप पार्ट बजाते हैं। तो सबसे जास्ती गुप्त पार्ट बजाने वाला कौन हुआ? छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो बाप है सबसे गुप्त, वो गुप्त पार्ट बजाने वाला जब गुप्त होता है तो सब पहचानते हैं या नंबरवार ही पहचानेंगे? नंबरवार 2000 के बाद एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में सामूहिक रूप से पुरानों से पूछा जाए, मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है कि ऊपर उठती जा रही है? क्यों गिरती जा रही है? है? इसलिए गिरती जा रही है कि 63 जन्म में जो पाप करते थे उसका एक गुना बोझा चढ़ता था, और अभी बाप को पहचान लिया, मान लिया,
अंजाम कर लिया कि हमें बाप मिल गया, स्टाम्प पेपर पर भी लिख दिया, फिर उसके बाद अगर पाप करते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ता है, तो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ेगा तो अवस्था नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? तो अवस्थाएं 98 के बाद से 2 द्वापर का अंत हुआ था ना, 2 द्वापर का जब से अंत हुआ 2 द्वापर युग की शूटिंग का, तब से अवस्थाएं जास्ती नीचे गिरने की शूटिंग हो रही है या ठहरती कला है? जास्ती नीचे अवस्थाएं गिरती जा रही है। एडवांस में ब्राह्मणों की अवस्थाएं भी नीचे गिरती जा रही है। तो जब अवस्थाएं नीचे गिरती जा रही हैं, तो अनिश्चय बुद्धि बनेंगे या निश्चय बुद्धि बनेंगे? अनिश्चय बुद्धि बनते। ये सामूहिक शूटिंग का हिसाब है, ऐसे नहीं कि व्यक्तिगत हिसाब है। व्यक्तिगत में जो नई नई आत्माएं टाइम टू टाइम आ रही हैं एडवांस में, वो पहले सतो प्रधान होती हैं या तमो प्रधान होती हैं? है? पहले सतो प्रधान होती है, उनकी बात नहीं है, लेकिन वो भी संग के रंग में आने से तमो प्रधान बनती है। तो बाप गुप्त होता जाता है या प्रत्यक्ष ही है 12-13 वर्षों में? दुनिया के लिए तो बोल दिया, दुनिया वालों की नजरों में बाप गुप्त हो गए, तो कौन सी दुनिया वालों की नजरों में बाप गुप्त हुए? वो दुनिया वाले, बाहर की दुनिया वाले तो जानते ही नहीं थे जो गुप्त होने की बात हो, तो कौन से दुनिया वालों की बात है? बेसिक में ब्राह्मणों की दुनिया है और एडवांस में भी जब से थर थल्ला हुआ 98 का, तब से अनिश्चय बुद्धि बहुत होने लगे और वो अनिश्चय का क्रम बढ़ता ही जा रहा है। तो 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो सोचना चाहिए कि महाशिवरात्रि कब कहें। महाशिवरात्रि माने महान अज्ञान की रात्रि। जिस महान अज्ञान की रात्रि में 500 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान रात्रि में थी ही, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी अज्ञान रात्रि में है ही, और एडवांस की दुनिया भी अज्ञान की रात्रि में जा रही है। अनिश्चय बुद्धि होते हैं, बार बार निश्चय, बार बार अनिश्चय, ये चक्र आता है या नहीं आता है? आता है। तो इसका अंत भी होगा। कब होता है अंत? अंत कब होता है? जब अति हो जाती है तब अंत भी होता है। माने एक ऐसा भी पॉइंट आएगा ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कि बाहर की दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन बेसिक ब्राह्मण वाले, ब्राह्मण भी, वो भी अंधेरे में, और एडवांस वाले भी अंधेरे में। एडवांस में जो सूर्यवंशी अपन को कहते हैं, वो भी संग के रंग के प्रभाव से वो भी नंबर वार अंधेरे में आवेंगे। सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार की घोर अंधेरी रात्रि छा जाती है, तब कौन आता है? है? तब शिव बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो हूबहू शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? है? हो रही है। ब्रॉड ड्रामा होता है तो सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक आत्माएं नीचे उतरती हैं या ऊपर चढ़ती हैं? नीचे उतरती हैं। तो नीचे उतरने की शूटिंग हो रही है,
उतरते उतरते ऐसी स्टेज आवेगी जो बाप गुप्त हो जाएगा और अंधकार की रात्रि कौन? अरे अंधकार की रात्रि आपका प्रश्न था ना, वो अंधेरा कौन है? काल रात्रि कौन है? किसका पार्ट है? जो घोर अज्ञान फैला देती है, है? जगदम्बा, वो जगदम्बा प्रत्यक्ष हो जाएगी। पूरे ब्राह्मण परिवार को कंट्रोल करेगी। क्या सिखों में क्या गायन है? हैं? राज करेगा खालसा। कौन है खालसा? खालिस नहीं, खालिस माने पवित्र। हाँ, उनकी दृष्टि में ये बात बैठती है कि जगदम्बा अपवित्र नहीं है, जगदम्बा पवित्र है, तो वो राज करेगी, सारे ब्राह्मणों की दुनिया में राज करेगी और बाप गुप्त हो जाएगा। तो पॉइंट का पता चला, वो कौन सा पॉइंट है? जब बाप गुप्त हो जाएगा और काल रात्रि प्रत्यक्ष हो जाएगी सारी दुनिया में, जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि, महान अज्ञान की रात्रि। वो कौन सा टाइम होगा? अरे है? अरे अभी तो बताया, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? हैं? 40 से 50 साल लगते हैं ना, तो वो 40 साल कब से शुरू होते हैं? हैं? 2016 शुरू कब से होते हैं 40 साल? हैं? 76 से, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष से। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष से शुरुआत हुई, वो राम बाप वाली आत्मा संपन्न नहीं बनी, संपन्न बनने की शुरुआत हुई। और अति कब होगी? अरे अति का ही तो अंत होना है, तो कब अंत होना है? अरे जब सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो अंत हो जाएगा। ये भी बता दिया, सूर्य जब प्रत्यक्ष होता है तो काल रात्रि के पीछे पीछे लाल लाल भागती है, उसको कहते हैं उषा। कौन है? हैं? उषा का पार्ट कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का ही नाम उषा है। वो प्रत्यक्ष होगी तो सब खेल खलास। रात्रि के पीछे पीछे भागती है उषा, सूर्य नहीं आता है, सूर्य सीधा पीछा नहीं करता है काल रात्रि का। कौन पीछा करती है? लाल लाल रोशनी उषा, लक्ष्मी। बाद में फिर नारायण, इसलिए भक्ति मार्ग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर कृष्ण। तो ये राज है कि इनका नाम पहले क्यों आता है। जरूर इन्होंने पहले पहले ऐसा काम करके दिखाया है जो काम स्वयं भगवान भी नहीं कर सकता। और लेकिन बाबा लक्ष्मी को ज्ञान का कलश पहले क्यों दिया है? पहले क्यों नहीं दिया? क्या ज्ञान का कलश है लक्ष्मी को पहले क्यों नहीं दिया, नारायण को क्यों दिया? भक्ति मार्ग में जो अवतार दिखाए गए हैं, उन अवतारों में
पहला अवतार कौन सा है? मगरमच्छ का अवतार। गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? मगरमच्छ की क्या विशेषता होती है? मगरमच्छ सारी मछलियों को खाता रहता है। तो ये ज्ञान सागर की मछलियां हैं जिन सबको हप कर जावेगी, सब उसके प्रभाव में आ जावेगी। वो पहले प्रत्यक्ष होती है, बाद में तो सागर मंथन होता है तब लक्ष्मी प्रत्यक्ष होती है। और कल्प वृक्ष के ऊपर दिखाने वाले कृष्ण के हाथ में स्वर्ग दिखाते हैं। कृष्ण के हाथ में स्वर्ग की गोला दिखाते हैं। ये आत्मा ब्रह्मा की स्वर्ग है या प्रजापिता की स्वर्ग है? राम बलि चित्र जो भी बनते हैं वो सूक्ष्म वतन के चित्र बनते हैं या साकार वतन की यादगार चित्र बनते हैं? ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म वतन वासी हो गई या साकार में है? सूक्ष्म वतन वासी हो गई, लेकिन साकार में पार्ट नहीं बजा रही है, है? साकार में पार्ट तो बजाती है लेकिन शरीर उसका नहीं है, इसलिए संगम युगी कृष्ण कहा जाता है। हाँ जी, संगम युगी कृष्ण पहले काला, फिर बाद में जब 40 वर्ष पूरे होते हैं तो गोरा हो जाता है। उसी की यादगार है श्याम सुंदर। अभी अनिश्चय क्यों आता है? जो भी ब्राह्मण हैं, उन सभी ब्राह्मणों को बाप के पार्ट पर अनिश्चय क्यों आता है? ज्ञान इतना बढ़ता जा रहा है, ज्ञान का विस्तार होता जा रहा है या ज्ञान संकुचित होता जा रहा है? तो विस्तार होने के बावजूद भी अनिश्चय बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? अनिश्चय बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? है? हाँ जरूर, संगम युगी कृष्ण कहो या कलयुगी कृष्ण कहो, कृष्ण की आत्मा प्रवेश करके पार्ट तो बजाती है ना कि नहीं बजाती है? तो बजाती है। शास्त्र में जो आत्मा दिखाई गई है राम के साथ, वो कौन आत्मा है जो राम के साथ दिखाई गई? सदैव लक्ष्मण। किसका अवतार? लक्ष्मण वाली आत्मा किसका अवतार कही जाती है? अरे अरे, शेषनाग का अवतार कही जाती है ना, और भक्ति मार्ग में कृष्ण के साथ कौन सी आत्मा दिखाई जाती है? बलराम। वो किसका अवतार है? वो भी शेषनाग का अवतार। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्रों में जो कृष्ण दिखाया गया है वो पार्ट किसका है? किसका पार्ट है? अरे ब्रह्मा का पार्ट है। वो पार्ट है शिव बाबा का। कृष्ण पार्ट किसका है? शिव बाबा का पार्ट है, भगवान का पार्ट है। और उसके साथ जो आत्मा दिखाई गई है रामायण में और महाभारत में, वो आत्मा है शेषनाग बलराम। किसका राम? राम का बल है। रामायण में भी दिखाया जाता है बड़े बड़े काम राम के किसने किए? हैं? हनुमान ने किए। वो हनुमान कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मा वाली आत्मा ही हनुमान भी है, वो बलराम भी है, वो ही लक्ष्मण भी है। आखरीन लक्ष्य को मारने वाली कौन आत्मा है? संगमयुगी नारायण को तो छोड़ दो,
बाद में सतयुग में नारायण 16 कला संपूर्ण कौन बनता है? ब्रह्मा वाली आत्मा, वही लक्ष्मण है। बाप का बल कौन होता है? बच्चा। तो संगम युग में जो नारायण है उसका बल है कौन सी आत्मा? वो ही शेषनाग की आत्मा। इसलिए वो शेषनाग की आत्मा का जो हथियार है वो कौन सा हथियार दिखाया गया है? हल दिखाया गया है। वो हल कोई दूसरा हथियार नहीं है, क्या? जिसकी आत्मा में ज्ञान बैठा ही नहीं कि भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है या शिव बाबा भगवान है, वो अपन को ही भगवान समझेगा तो संग का रंग अपना लगाएगा या भगवान का लगाएगा? किसका संग का रंग लगाएगा? है अपना ही खुद का लगाएगा। तो हल उसको हथियार दिखाया गया है। कहते हैं कि हल का प्रयोग जब बलराम करता था धरणी में तो नदियों का पानी रुक जाता था। ये कौन से पानी की बात है? ज्ञान जल की बात है। वो हल चलता है तो हल के चलने से बुद्धि जाम हो जाती है। बुद्धि जाम हो जाती है तो पानी रुक जाता है। पानी नदियों का रुक जाने से अकाल बढ़ेगा या थमेगा? अकाल पड़ जाता है। तो वो कृष्ण वाली आत्मा का अभी पार्ट चल रहा है, श्याम भी है और आगे चल के सुंदर भी बने। ये कंबाइंड पार्ट है। बाप दादा एक का पार्ट है या कंबाइंड पार्ट है? कंबाइंड पार्ट। दो आत्माएं साथ साथ हैं। भागीदार हैं या नहीं है? भागीदार हैं। ओम शांति।